हेलो, मेरा नाम नितेश शर्मा है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इसके अंदर मेरा जो प्रोफाइल है, मेरे को डॉक्टर्स से मिलना होता है, मेरा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डॉक्टर्स को बताना होता है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, उसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर होना चाहिए, तभी आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। पिछले दो साल से, जब से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए, तो मेरा जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। विग ट्राई करके देखा तो मुझे फील अंदर से फील नहीं आया, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद में जो थेरेपी थी, मेडिसिंस था, मेडिसिंस भी लिया, लेकिन मुझे मतलब वो प्रॉपर तरीके जो रिस्पांस था वो रिस्पांस नहीं आ पाया। जब बीच में दो तीन साल पहले जब इनके बाल चले गए थे, तो हम इन्हें नितेश भैया आप तो अंकल बन गए हो ऐसे बोलने लगे थे। एज भी नहीं हुई है और फिर भी अपन को भी ऐसे कमेंट मिलने लगे हैं, मतलब पापा को ही नहीं मिलते, मेरे को भी ऐसे कमेंट मिलने लगे, तो एक मन में एक अजीब सा लगता था, बहुत ही मतलब बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता था। नितेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उन्हें पता था सारी हेयर लॉस के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ काम में आती हैं और उनके किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो मिलते हैं तो वो जानते हैं कि कौन अच्छी दवाइयाँ दे सकता है, कौन बेहतरीन ट्रांसप्लांट भी कर सकता है। डॉक्टर अखिलेश जैन ने बोला कि अब इसके लिए आपको तो ट्रांसप्लांट कराना होगा, वही एक ऑप्शन है, परमानेंट ऑप्शन है। जब उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जब मैंने उन्हें बताया कि ट्रांसप्लांट कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, और जो दो महीने की सैलरी थी वो मैंने ये ट्रांसप्लांट के लिए डिपॉजिट करा दी थी। अब जबकि नितेश ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, वो अपने रिजल्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद में जब बाल दोबारा आने लगे, तो पूरा जो सिनेरियो था वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब जब वो डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर्स उनकी आँख में आँख डाल के बात करते हैं, ना कि उनके सर को देखते हैं। और अब वो जब भी हेलमेट उतारते हैं, तो आराम से अपने बालों को सहला सकते हैं और हेयर स्टाइल किसी भी तरह का बना सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना चाहिए, आप उसका जो आपका सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत हेल्प करता है हेयर ट्रांसप्लांट। अभी जो बाल आए तो काफ़ी अच्छे लगने लगे, लुक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं और काफ़ी स्मार्ट लगने लगे हैं पहले से। पैसा तो आगे जीवन भर कमाना ही कमाना है, एक अमाउंट अगर आप अपने ऊपर खर्च कर लोगे सिर्फ अच्छे लुक्स के लिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ महंगा सौदा है। नाउ इज टोटली चेंज लुक्स, टोटली चेंज पर्सनैलिटी। अब मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ट्रांसप्लांट कराई लूँ नितेश भैया को देख के, क्योंकि मेरे भी काफ़ी बाल चले गए हैं।